हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। हम मुगल काल का एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने मुगल काल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम औरंगज़ेब और उसके आगे के जितने भी हमारे मुग़ल शासक रहे उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले औरंगज़ेब और पहाड़ी राज्य, इनके बीच में क्या संबंध थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो चंबा जो कि उस समय वहाँ के राजा चतर सिंह थे, तो 1678 में औरंगज़ेब ने चंबा रियासत के सभी मंदिरों को गिराने की आज्ञा दी। चतर सिंह ने उसके उत्तर में राज्य के सभी मंदिरों पर एक सुनहरी बुर्जी सजाने की आज्ञा दी। उसने गुलेर, जम्मू और वसोली के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया तथा पंजाब के मुग़ल वायसराय मिर्ज़ा रियाज़ बेग को हराकर अपने खोए प्रदेश वापस लिए। तो आप ये याद रखेंगे, मिर्ज़ा रियाज़ बेग को हराया था उन्होंने। उसके बाद बुशहर, तो बुशहर के जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा है वो केहरी सिंह है। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति का खिताब प्रदान किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। उसके बाद सिरमौर, सुभग प्रकाश, बुद्ध प्रकाश और मेदिनी प्रकाश, ये तीन यहाँ के राजा जो थे वो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद सिरमौर रियासत मुग़लों की संप्रभुता थी, इसके शासकों के मुग़लों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। औरंगज़ेब ने सुभग प्रकाश को जगत सिंह के पुत्र राजरूप की सहायता, जो कि गढ़वाल पर आक्रमण करने के समय सिरमौर के राजाओं को मुग़ल की सेवा के बदले बहुत सी जागीरें प्राप्त हुई। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि सिरमौर के जो राजा थे वो सपोर्टर थे मुग़लों के, काफ़ी अच्छे सपोर्टर थे। सुभग प्रकाश की 1659 ईस्वी में मृत्यु के बाद बुद्ध प्रकाश तथा उसके बाद 1678 ईस्वी में मेदिनी प्रकाश को सिरमौर का राजा मानकर खिल्लत प्रदान की गई। सिरमौर रियासत को गढ़वाल के विरुद्ध मुग़लों का संरक्षण प्राप्त था और बदले में मुग़ल क्या थे, वो सिरमौर रियासत को प्रोटेक्ट करते थे, राइट। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी कॉमन सी चीज़ है। उसके बाद उत्तर मुग़ल काल में पहाड़ी राज्य, तो यहाँ पे नादिर शाह का अटैक बताया गया है। तो नादिर शाह 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़लों का पतन शुरू हो गया। उसके बाद नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, ये आप याद रखेंगे कब उन्होंने आक्रमण किया, तो 1739 ईस्वी में। उसके बाद अदीना बेग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, 1745 ईस्वी में अदीना बेग पंजाब, जो कि जालंधर था, तो जालंधर के वो क्या बने, गवर्नर बने। उसने गुलेर के शासक दिलीप सिंह, जसवां के अजीत सिंह, नूरपुर के देवदत्त, कुटलहर के यदुपाल, भंगाल के राय को हराया, मतलब काफ़ी पावरफुल थे, इतने सभी राजाओं को उन्होंने हराया था। उसने बीजापुर और जयसिंहपुर को धूल में मिला दिया। मंडी रियासत ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, राइट। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग थे या कितने पावरफुल थे वो। और अदीना बेग आप याद रखेंगे कि जलंधर के या पंजाब के गवर्नर बने थे। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और घमंड चंद, तो अहमद शाह दुर्रानी ने 1748 से 1788 ईस्वी के बीच 10 बार पंजाब पर आक्रमण कर मुग़लों की कमर तोड़ दी। तो ये आप याद रखेंगे, 10 बार आक्रमण किया था, किसने, अहमद शाह दुर्रानी ने। राजा घमंड चंद ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर
1752 ईस्वी में कांगड़ा और दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा किला अब भी मुगलों के पास था, तो नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। पहले कौन थे? तो नवाब अली खान पहले थे, और आखिरी कौन थे, अंतिम मुगल कौन थे? तो नवाब सैफ अली खान अंतिम थे। उसके बाद अहमद शाह दुर्रानी ने 1759 ईस्वी में घमंड चंद को जालंधर दुआब का नाजिम बना दिया। घमंड चंद का सतलुज से रावी तक के क्षेत्र पर एक छत्र राज हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया घमंड चंद के अंडर आ गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इस वजह से याद रखेंगे आप। उसके बाद मुगलों का हिमाचल पर प्रभाव। अब मुगलों का क्या हिमाचल पर प्रभाव पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहाड़ी रियासतों के मुगलों के संपर्क में आने से प्रशासनिक सुधार शुरू हुए। मुगल सिक्के पहाड़ों में प्रचलित हुए। पहाड़ी राज्यों में निश्चित लगान प्रणाली शुरू हुई। तो ये निश्चित लगान प्रणाली क्या थी? निश्चित लगान प्रणाली को आप इस तरह से मान सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाले लोग टैक्स पे करते थे। जैसे कि अगर कोई किसान है तो भूमि तो उसके ही नाम पे है, लेकिन जो भी फसल होगी उसका एक चौथाई हिस्सा उसे वहाँ के राजाओं या फिर वहाँ की सरकार को देना पड़ेगा। तो इसी को निश्चित लगान प्रणाली कहा गया। उसके बाद मुगल राजपूत सैन्य विधि पहाड़ी राजाओं ने अपनाई। तो उनकी जो सैन्य विधि थी, मतलब कि सैनिक जो थे उसमें राजपूत भी थे, मुगल भी थे, ठीक है, तो ये जो सैन्य विधि थी अपनाई थी। उसके बाद कला और साहित्य का विकास भी हुआ था। तो ये आपने काफ़ी देखा होगा कि जो मंदिर होते हैं उनमें भी गोल गुंबज होता है, और जो हज होते हैं उनमें भी गोल गुंबज होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म की वजह से हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एक सिमिलैरिटीज़ हैं, राइट। उसके बाद वास्तुकाल का प्रभाव। उसके बाद मुगलों से पहले पहाड़ी वास्तुकला पर मैदानी वास्तुकला का प्रभाव था, राइट। मुगल काल में पहाड़ी स्थापत्य कला में अधिक परिवर्तन हुए, क्योंकि मुगल शासकों के पहाड़ी रियासत से ज़्यादा गहरे संबंध थे। पहाड़ी राजा मुगल वास्तुकला को आदर्श मानकर किलों का निर्माण करने लगे। नूरपुर किले में स्तंभ और टेक मुगल इमारतों जैसे, वो किस तरह से बना हुआ है, जैसे कि लाहौर का जो किला है उसके जैसा ही वो बनाया गया है। इस किले की पच्चीकारी लाहौर किले से मिलती जुलती है, राइट। तो चंबा के भरमौर स्थित कारदार कोठी के लकड़ी के दरवाज़ों के उभरे हुए पैनल पर मुगल कला का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेंगे। उसके बाद चित्रकला पर प्रभाव। तो मुगल साम्राज्य के पतन का अच्छा प्रभाव पहाड़ी चित्रकला एवं कलाकारों पर पड़ा। पहाड़ी राज्यों ने मुगल कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। इन कलाकारों से लाभावंती पहाड़ी राजा थे, मतलब किन किन राजाओं को लाभ था, तो चंबा के राजा राज सिंह, उम्मेद सिंह, कांगड़ा के राजा घमंड चंद को, बिलासपुर के राजा देवी चंद को, राइट। तो इन सभी राजाओं को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला उन मुगलों को शरण देने से। उसके बाद 18वीं शताब्दी के मध्य में लगभग हर पहाड़ी राज्य में कला का अभूतपूर्ण विकास हुआ। तो 18वीं शताब्दी, ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहनावे पर प्रभाव। पहनावे पर क्या प्रभाव आए? तो पहाड़ों के कुछ राज परिवार आज भी मुगल काल के चोगे पहनते हैं। कपड़ों पर की गई नक्काशी पर भी मुगल प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद भाषा लिपि पर प्रभाव क्या थे? तो अनेक पहाड़ी राजाओं ने उर्दू को अपनी दरबारी भाषा के रूप में स्वीकार किया। इन राज्यों में संपूर्ण अभिलेख उर्दू में
रखे जाते थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उर्दू का मुग़लों का कितना ज़्यादा प्रभाव था कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो भी राजाओं ने अपना ली थी। राजनैतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव, तो मुग़ल शासकों ने पहाड़ी राज्यों को अपने राज्य का प्रबंध करने की पूरी आज़ादी दी। पहाड़ी राजा मुग़लों को सूचित किए बिना किलों का निर्माण करवाते थे। आपसी झगड़ों का निपटारा करवाने के लिए पहाड़ी शासक मुग़ल हस्तक्षेप प्राप्त करते व मांगते थे। प्रत्येक पहाड़ी राज्य से मुग़ल वार्षिक कर वसूलते थे, मतलब उनको हर वर्ष जो है वो टैक्स देते थे पहाड़ी राज्य, राइट। और ये टैक्स लगभग 4 लाख के करीब भी हुआ करता था। प्रत्येक राजा को अपने सिंहासनारोहण के समय, मतलब कि जब वो गद्दी पे बैठते थे, निश्चित राशि दिल्ली को भेजनी होती थी, जिसके बाद उन्हें खिरात या खिल्लत, ये मुग़ल लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं कि राज गद्दी पर जब बिठाया जाता है तो सिंहासनारोहण का अधिकार पत्र, पोशाक और शाही भेंटों के साथ दिया जाता था। पहाड़ी राजाओं के विद्रोह को ज़्यादातर मुग़ल शासकों ने क्षमा कर दिया था। और क्षमा क्यों कर दिया था? क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा था हमारे हिमाचल के राजाओं से। और दूसरी चीज़ क्या थी कि वो इनका विद्रोह, पहाड़ी राजाओं को विद्रोह दबाने के लिए उनके जो रिश्तेदार थे उनको भी बंदी बना करके रखते थे। हम लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो बुशहर रियासत के किस राजा को मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था? तो वो थे केहरी सिंह। मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, HAS मेंस में पूछा गया है। उसके बाद घमंड चंद के समय कांगड़ा किले पर किसका अधिकार था? तो नवाब सैफ अली खान, जो कि आखिरी मुग़ल दरबारी थे वहाँ के। उसके बाद घमंड चंद की मृत्यु कब हुई? तो घमंड चंद की मृत्यु कब हुई थी? 1773 ईस्वी में, राइट। तो घमंड चंद मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके अंडर काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र जो था वो पड़ता था। तो ये अगर इनकी मृत्यु वाला डेट आप याद रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में ये पूछा जा चुका है। उसके बाद अपने आधिपत्य की स्वीकृति के सूचक के रूप में वार्षिक नजराना लेने के अलावा अकबर ने पहाड़ी रियासतों द्वारा आज्ञा पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीका अपनाया? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप पूरा का पूरा वाक्यांश अच्छे से पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आराम से। यहीं पे उन्होंने घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो और क्या करते थे? मैंने अभी आपको बताया कि मुग़ल दरबार में वो बंधक बना के रख लेते थे राजाओं के, जो ख़ास तौर पर पुत्र होते थे या रिश्तेदार थे उनको बंधक बना करके वो रख लेते थे, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके साथ ही हमारा मुग़ल काल जो है वो पूरा कवरअप हो चुका है। अच्छे से हमने डीपली इसको स्टडी कर लिया है। अगर आप फिर भी भूल रहे हैं या आपको लग रहा है कि अभी भी पूरे अच्छे तरह से मेमोराइज नहीं है, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे आपको खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ आती है, राइट। तो सिंपल सी चीज़ क्या है कि आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखें ताकि अच्छे से आपको हर एक चीज़ का ध्यान हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ से रिलेट करती है, राइट। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि चीज़ों को रटिए मत, बस उन्हें एक कहानी की तरह, हिस्ट्री को हम कहानी की तरह पढ़ेंगे तभी हमें ध्यान रहती है, चीज़ों को रिलेट करते हैं हम इसमें, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।